eating only instant food for 24 hours challenge. ये तो पूरा हलवा बन गया है पोहे का, तो मेरा थोड़ा पोपट हो गया है। चिंगू खाएगा बोल अंडा। मजा आई ना? मुझे भी आ रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज माय ईटिंग ओनली इंस्टेंट फूड फॉर 24 आवर्स चैलेंज, जिसमें मैं पूरा दिन भर खाने वाली हूँ ये इंस्टेंट नूडल्स। अरे नहीं यार, आज तक इस कैटेगरी में मैंने सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही ट्राई किए हैं, इसीलिए आज के चैलेंज में मैं इस कैटेगरी की और बहुत सारी आइटम्स ट्राई करने वाली हूँ। जब मैं मार्केट गई इस चैलेंज के लिए सामान लेने के लिए, ओह माय गॉड, इस कैटेगरी में क्या क्या सामान आ गया है, आई वॉज कम्प्लीटली बोल्ड ओवर। पता है मैं क्या क्या लेकर आई हूँ? अभी थोड़ी बताऊंगी, पूरा चैलेंज देखो तब पता चलेगा। ये मैं क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि ये मेरा सेफ्टी नेट है। अगर कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो गई, मुझे कुछ खाना समझ में नहीं आया, तो फिर इंस्टेंट नूडल्स जिंदाबाद। अरे आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने इंस्टेंट नूडल्स के अलावा और कोई इंस्टेंट फूड ट्राई किया है क्या? No. और अगर हाँ तो क्या खाया है, वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दिन की पहली मील की तरफ, विच इज इंस्टेंट ब्रेकफास्ट। तो आप लोगों के कहने पर मैं ट्राई करने वाली हूँ ये इंस्टेंट पोहा और इंस्टेंट वेजिटेबल उपमा। इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ ये इंस्टेंट प्री मिक्स्ड कॉफी स्टिक्स। इन सब में मुझे ऐड करना है सिर्फ बॉइल्ड वाटर और मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा रेडी। ऑब्वियसली गाइस, इसको ये सब तो नहीं दे सकते ना, तो इसका भी तो इंतजाम करना पड़ता, इसलिए चिंगू खाएगा बॉइल्ड अंडा और मम्मा खाएगी इंस्टेंट ब्रेकफास्ट। आ जाओ, ओ नूडल्स की तरह फोक की जगह इसमें ये स्पून दिया है। वेरी बैड हाँ, अंदर स्टर करने के लिए स्टिक ही नहीं है। मार्क्स कटेंगे इसके, कितनी महंगी कॉफी है। Oops. मुझे यही वाला चम्मच यूज करना पड़ेगा। ब्लैक कॉफी, मुझे लगा था इसके अंदर दूध वूध सब कुछ मिक्स्ड होगा, तो मेरा थोड़ा पोपट हो गया है। अगर ब्लैक कॉफी पीनी है तो बहुत टेस्टी है, लेकिन अगर नॉर्मल कॉफी पीनी है, दिस इज नॉट योर ऑप्शन। चलिए भाई, उपमा और पोहा भी खोल के देखते हैं उसका क्या हाल है। यार उपमा तो सही लग रहा है। Oh, no. ये मैंने क्या किया? मुझे लगता है मेरे से पोहे में ज्यादा पानी डल गया है। ये तो पूरा हलवा बन गया है पोहे का। भले थोड़ा ज्यादा गल गया हो, बट टेस्ट वाइज इट्स प्रीटी डिसेंट। हाँ, एंड उपमा, रियली गुड। ये लो, चिंबू भी अपना ब्रेकफास्ट खाएगा, इंस्टेंट ब्रेकफास्ट। हाँ हाँ भाई हाँ। Wow guys, today's breakfast was so hassle-free. Yeah. यार लाइफ में सारी चीजें इतनी आसानी से हो जाए तो बात ही क्या है। अब सब कुछ तो हैसल फ्री नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि टेकिंग अ पर्सनल लोन फ्रॉम क्रेडिट बी ऐप। फ्रेंड्स, क्रेडिट बी इंडिया का लार्जेस्ट पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड लोग यूज करते हैं। इनफैक्ट प्ले स्टोर पे क्रेडिट बी फिनटेक का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म भी है। इनके बेस्ट अप्रूवल रेशियोज हैं, जिससे आप 1000 से लेकर 2 लाख तक के इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। द इंटायर प्रोसेस इज एब्सोल्युटली हैसल फ्री, 100% ऑनलाइन, लोन एप्लीकेशन से लेकर लोन डिसबर्समेंट तक। जैसे ही आपका लोन अप्रूव होगा, पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर
हो जाएंगे. क्रेडिट भी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देती है एज कम्पेयर टू अदर फिनटेक प्लेटफॉर्म्स. अब जरूरत के टाइम पे आप लोन लेने के लिए लाइन में खड़े होकर वेट थोड़ी करोगे. इसीलिए क्रेडिट भी सारा वेट टाइम मिनिमाइज करती है सारी सर्विसेज ऑनलाइन देके. फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात, क्रेडिट भी सिर्फ उन बैंक्स और एनबीएफसी से लोन अप्रूव करवाता है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है और सारी डिटेल्स अप फ्रंट कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान. तो आपको हिडन चार्जेस की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. है ना ये पूरा प्रोसेस एकदम इंस्टेंट फूड बनाने जैसा इजी. बस आपको मेरी कही हुई सारी बातें याद रखनी है, जस्ट लाइक इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग इंस्टेंट फूड, और अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है. क्रेडिट बी ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेक कर लेना. ओके, चलो अब मैं इंस्टेंटली रेडी होकर आई, फिर लंच बनाएंगे. टाडा, मैं इंस्टेंटली रेडी हो गई. मजाक कर रही हूँ, लड़कियां कभी इंस्टेंटली रेडी हो सकती है क्या? तैयार होने में मुझे लगे पूरे 2 मिनट एंड 2 घंटे. आई होप मेरे लंच बनाने में मुझे उतना टाइम ना लग जाए, क्योंकि लंच के लिए मेरा बहुत ही इलैबोरेट प्लान है. लंच में मैं खाऊंगी मेरी फेवरेट नॉर्थ इंडियन क्यूजीन की चीजें. मेरे पास है पंजाबी छोले, दाल मखनी एंड पनीर टिक्का मसाला, और नान और रोटी की जगह ये मालाबारी पराठा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, मैंने ये सब आज तक कभी बनाया ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं इन्हें बनाना कैसे है. इंस्ट्रक्शंस पढ़ती हूँ और फिर इन्हें बनाना शुरू करती हूँ. चीजें 3, उन्हें बनाने के तरीके भी 3. बहुत बढ़िया है. मैं तीनों तरीके ट्राई करने वाली हूँ. हम इसे पैन में भी खोल सकते हैं, बॉइलिंग वाटर में भी बना सकते हैं और माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं. तो एक एक चीज एक एक तरीके से ट्राई करते हैं. हाँ अयला, ये सारी चीजें तो बनी बनाई है पूरी की पूरी, इन्हें सिर्फ ऐसा हीट करना है. मुझे तो लगा था कि अंदर ऐसा डिहाइड्रेटेड दाल और बाकी सारे मसाले वसाले होंगे, और इसीलिए मैं सोच रही थी ये सब बनेगा कैसे. बट दिस इज ऑसम डूड. आप लोगों को पता था क्या कि अंदर से ऐसा डिहाइड्रेटेड खाना निकलेगा कि बनी बनाई ग्रेवीज निकलेंगी? No. मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना. ओके, मैं अकेली स्टूपिड नहीं फील करूं. ओ वाओ, दाल लग रहा है रेडी हो गई है. पनीर आधे मिनट में हो जाएगा एंड छोले हो गए. नाइस मैन. अब ये पराठा बनाया जाए. पराठा भी सिक गया है. Our meal is ready. Let's try it. यार कितनी अच्छी लग रही है ना प्लेट. बस इसके साथ इंस्टेंट प्याज होती तो मजा आ जाता. दिल्ली वाली हूँ, ये पूरी मील बिना प्याज के कैसे खाऊंगी? अगर मैंने प्याज काट के खाई तो क्या आप लोग बोलोगे कि मैं चैलेंज हार गई? Can I take that chance? नहीं लेती. ठीक है कोई बात नहीं, इंस्टेंट अचार है मेरे पास, उसके साथ खा लूंगी. इस पूरी मील का प्रिपरेशन टाइम लगा है मैक्सिमम 10 मिनट, क्योंकि मैंने 4-4 चीजें बनाई हैं. नाउ लेट्स ट्राई कि क्या अच्छा है और क्या एवं है. यार पराठा तो बड़ा सही लग रहा है, लच्छा पराठा. सबसे पहले छोले ही ट्राई करती हूँ. क्या है? अच्छा भाई नीचे बैठ के इनको भी दिखा देते हैं. देखो छोले जो है वो अच्छे हैं, दाल मखनी बहुत टेस्टी है और पनीर थोड़ा सा लेट डाउन है. सो पनीर के अलावा मुझे बाकी सारी चीजें बहुत पसंद आई. ट्राई करना आपको. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन माय फूड टुडे. सो गाइस, मैं अपनी ये यमी इंस्टेंट नॉर्थ इंडियन मील एंजॉय करती हूँ. अब मैं मिलूंगी आप लोगों से शाम को चाय के टाइम पे. Later that same evening. हर चैलेंज में मेरे ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत आती है मेरे चाय के टाइम पे, क्योंकि हर चैलेंज में यही टाइम पे मुझे चीजें फिगर आउट करने में सबसे ज्यादा चीटिंग करनी पड़ती है. बट नॉट इन टुडेज चैलेंज, बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि इंस्टेंट चाय की तो मैं पहले से दीवानी हूँ, है ना. बस गर्म पानी के अंदर इसके सैशे को मिलाऊंगी और अपनी बढ़िया सी ये गिरनार की मसाला चाय पी जाऊंगी. और साथ में मेरे पास है ये इंस्टेंट चीज बॉल्स एंड
For a good time, I have these nice time biscuits. So yes, my tea time today is sorted. I'm so happy, I can't tell you guys. खुशी के आंसू आने वाले मेरे अभी यहाँ पर. चाय रेडी. बिस्कुट खाए हो सिंबू? गुड बॉय. सो गाइस, अब हम मिलेंगे सीधा डिनर टाइम पे. सो फ्रेंड्स, इट्स डिनर टाइम. लंच में नॉर्थ इंडियन क्यूजीन खाया था, तो डिनर में साउथ इंडियन इंस्टेंट फूड खाना तो बनता ही है. नहीं भाई, मैं डोसा इडली वड़ा का बैटर नहीं लेकर आई हूँ, बिकॉज उसे बनाने में बहुत मुझे तामझाम लगता है. मैं लेकर आई हूँ वन पॉट मील, विच इज राइस एंड सांबर मिक्स. लेट्स सी ये कैसा बनेगा, वरना सेफ्टी नेट तो है ही. क्या मैं इसे आज खाना चाहती हूँ कि नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ. नहीं नहीं, मुझे सांबर राइस टेस्ट करना है. सो लेट्स मेक दिस. गाइस, ऊपर मेरा सांबर राइस बन रहा है और नीचे बैठ के सिंबू अपने डिनर का इंतजार कर रहा है. आज रेडी टू ईट चिकन राइस खाएगा? दे दो इसको चिकन राइस. चलो, इसका भी खाना तैयार हो रहा है और मेरा भी. साथ में खाएंगे सिंबू और मम्मा इंस्टेंट फूड खाएंगे. ये सांबर राइस मैं खाने जा रही हूँ, बट इसकी क्वांटिटी मुझे बहुत कम लगी ऑनेस्टली. हाँ, टेस्ट अच्छा है, बट उसमें लिखा था सर्व्स टू. ये एक जन के लिए पूरा नहीं लग रहा, सर्व्स टू कैसे होगा? नूडल्स नहीं खाऊंगी मैं. नो नो नो, गरिमा कंट्रोल कंट्रोल, नूडल्स के बारे में मत सोच. अरे, इसके बाद डेजर्ट भी तो है, उससे पेट भर लूंगी, कोई बात नहीं. Soon after. चिकन राइस खा के इन भाई साहब का तो पेटू बहुत भर गया है, मेरा थोड़ा कम भरा है, इसीलिए मैं डेजर्ट के ऊपर अपना पूरा दाव लगा रही हूँ. यार, मैंने हमेशा मिठाई की दुकान से जाके फ्रेश मिठाइयाँ ही खरीद के खाई हैं, सो आई वाज ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि ये टिन के अंदर जो सामान आता है वो कैसा टेस्ट करता होगा. आप लोगों ने टेस्ट किया है क्या? मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ, सो लेट्स ओपन दिस. लुक्स गुड. स्पॉन्जीनेस थोड़ी कम है, टेस्ट देखते हैं कैसा होगा. नाइस, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बड़े वाले रसगुल्ले जैसा नहीं है, बट काम चलाओ. खा गया, मजा आई ना? हाँ, मुझे भी आ रही है. हाँ जी फ्रेंड्स, तो था ना आज का चैलेंज बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग. मेरे लिए तो था, क्योंकि इंस्टेंट फूड कैटेगरी में आज मैंने इतनी सारी नई चीज़ें ट्राई की जो मैं सोच भी नहीं सकती थी. अब कभी अगर इमरजेंसी होगी या ट्रैवल करना है तो मुझे पता है कि मुझे कौन सा इंस्टेंट फूड खाना है और कौन सा नहीं खाना है. आज का चैलेंज कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट्स में. एंड या, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस video, share and subscribe to my channel Garima's Good Life. I love you all. Good night. Ta-ta.